Hello student. So find the find the square root of 5 plus 12 pi रो स्क्वायर रूट बाहर करिबा तो तर लॉन्ग मेथड आछ करिबा ना लेट 5 प्लस 12 पाई रो स्क्वायर रूट इक्वल टू माने ले केते छ ना a प्लस i b तो एठी हम कोन करिया ना स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड माने 5 प्लस 12 पाई इक्वल टू a प्लस i b रो होल स्क्वायर एंड इंप्लाई दैट 5 प्लस 12 i इक्वल टू a स्क्वायर प्लस i b रो होल स्क्वायर प्लस 2 a i b तो इंप्लाई दैट 5 प्लस 12 पाई ये कितने से होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2iab तापर हम कौन करी बचा इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी तने रियल को रियल पक्कू इटा मो रियल इरा रियल ताने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 5 इक्वेशन 1 ने गेले तापर हम कोन करी बचा 2iab इक्वल टू 12 i तन आई कटियाला ab इक्वल टू 6 ए तने हमें जो अलजेब्रा फार्मूला पकिया केते a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 a स्क्वायर b स्क्वायर रूट ओके तो एतियो सल्ला परे ये केतेला छ ना 5 रो स्क्वायर 5 रो स्क्वायर 4 इनटू 6 रो स्क्वायर रो रूट 25 4 इनटू 36 यस येला छ 25 144 तो 169 यस इज योर 13 तो एतियो सल्ला परे एटा को इक्वेशन तुमे कोन करियो इक्वेशन थर्ड दे दियो इक्वेशन थर्ड देला परे कोन करिवो नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड थर्ड तन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 13 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 5 एवं 2 a स्क्वायर इक्वल टू 18 2 a स्क्वायर इक्वल टू 18 तो स्क्वायर इक्वल टू 18 आसिल छ तो वर्तमान हम आसले a स्क्वायर इक्वल टू 9 एवं a इक्वल टू प्लस माइनस 3 तो प्लस माइनस 3 ले अगेन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 ताने a b इक्वल टू पाई थिलो केते 6 ताने b इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 ताने हमर जो थिला छ 5 आंसर कोन छ ना जो आंसर रिक्वायर्ड आंसर टा कोन थिला जे 5 प्लस 12 पाई रो स्क्वायर रूट इक्वल टू हम धरथिल केते a प्लस i b धरथिले ताने a पाइले केते तो प्लस माइनस 3 प्लस प्लस माइनस 2 ताने हम लिखि परिबा एटा को किया प्लस माइनस 3 प्लस 2i ओके तो ये थिला जे लॉन्ग मेथड जे शॉर्ट मेथड छ तुम यूज करियो शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक सोलो छ यूज करि परिबा नि
तो मुझे सेटा का उत्तरे कहो देखो 5 + 5 + 12 i यार स्क्वायर रूट में कुछ शॉर्टकट शॉर्टकट किंतु ना 12 को 2 रे डिवाइड करियो कितना ला 6 12 को 2 रे डिवाइड करियो कितना ला 6 अब 6 आसला परे 6 रो कम करियो 6 रो फैक्टर काढिबो जार जो टोन मल्टीप्लिकेशन केते आसीबो 5 तने आसले 3 2 2 3 1 6 6 1 तने एई दिरा संभव छ हबो सब छ मन रखियो ए ग्रेटर देन बी तने केते ला 3 + 2i 3 + 2i हिज आंसर ओके ये छ थिला कोन ना स्क्वायर रूट ऊंचा अगुरु प्रॉब्लम छ करै थिली हमें एई हिसाब रे छ करियो स्क्वायर स्क्वायर रूट तो करियो ए प्राय वाली हिसाब रे तुम्हें प्रॉब्लम करी करी परियो ओके तो हमें आज छ पढिबा स्क्वायर रूट पर आसीबा मॉडुलस मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो लेट लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर मन करो जेड इज कॉम्प्लेक्स नंबर एवं जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी लेट जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी तने जेड रो सिंबल इज जेड एरा सिंबल ऑफ करो किसो ना सिंबल ऑफ छ मॉडुलस सिंबल ऑफ मॉडुलस सिंबल ऑफ मॉडुलस तो जेड मॉडुलस इक्वल टू दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर हला जेड मॉडुलस एग्जांपल को ना एग्जांपल जेड इक्वल टू 3 + 4i तो जेड मॉडुलस इक्वल टू तो 3 रो स्क्वायर 4 रो स्क्वायर रो रूट ओवर 4 रो रूट ओवर तो ये कितने ला छ ना 3 रो स्क्वायर 9 प्लस कितने ला 16 दैट इज क्या ला छ दैट इज 25 रूट ओवर दैट इज 5 तो ये थी लाउज कौन ना मॉडुलस तो हमें यहाँ की क्लियर होगा अच्छा उड़े कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें ग्राफ देखिएगा तो ग्राफ देख ले कौन ये उड़े कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये ला एक्स एक्सिस ये अच्छा वाई एक्सिस सो लो मन क्यों जाए ये उड़े रियल एक्सिस तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ पेपर तुम्हें जस्टिफाई करिबो कि ग्राफ ग्राफ करिबो तो रियल एक्सिस ये कहा जाए इमेजिनरी एक्सिस एक्सिस वाई एक्सिस तो मन कर कॉम्प्लेक्स नंबर छ एटा आसीला एटा होचे जेड इक्वल टू के थला ए प्लस आई बी ए पोजीशन नंबर कर तन एटा को मु पॉइंट जुक करले तन एति को रियल एक्सिस बाकी एटा होची कोन छ एटा होची ए जो वाई एक्स एटा होची बी एटा छ ओके तो वर्तमान हम छ एटा को जाय कोन मॉडुलस ए दिन सेटा को जाय मॉडुलस हला ताने हमें वर्तमान छ नबा कोन एटा जे राइट हैंड ट्रायंगल हुए तर एटा होची की हला ए हम ग्राफ पेपर द एटा ए एटा के बी ताने एटा होची मॉडुलस एटा छ सिंबल आर पर जाय एटा होची मॉडुलस को जाय ताने यदि राइट एंगल ट्रायंगल हुए ताने एटी की आसीबो छ आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ माने ता माने की हला छ मॉडुलस दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ तो हमें फाइंड द प्रॉब्लम छ करिया फाइंड द मॉडुलस ऑफ फाइंड द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3i 1 - i 1 - i सिकुचा फाइंड द हमें द एग्जांपल नवा फाइंड द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3i / 1 - i तो यार आंसर आगे प्रथमे काम होची ए कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे ए प्लस आई बी फॉर्म को कन्वर्ट करिवा तने आगे न लेट तो जेड इक्वल देला के 2 + 3i डिवाइड बाय की हला 1 - i ताको याको ही जस्टिफाई करे ए प्लस आई बी फॉर्म को आनिवा तने 2 + 3i तो 1 + i डिवाइड बाय 1 - i
1 plus i. তাহলে ঠিক আছে তাহলে 2 এ 2i এ 3i 3i স্কয়ার ডিভাইড বাই 1 র হোল স্কয়ার i র হোল স্কয়ার তাহলে 2 প্লাস 5i মাইনাস 3 1 প্লাস 1 তাহলে ঠিক আছে আসিলাছ ই আসিলাছ মাইনাস 1 প্লাস 5i বাই 2 তাহলে মাইনাস হাফ প্লাস 5 বাই 2i ओके ये थिला मॉडुलस ओके तो आमे आसी प्रथम मॉडुलस रो जनरल प्रॉपर्टीज हैला तो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस मॉडुलस रो प्रॉपर्टीज तो एक रासी प्रथम आसी बा जेड z1 and z2 are two complex number z1 z2 two complex number to property asile one asile cha z1 into z2 ro whole modulus equal to z1 no modulus into ke hala z2 modulus to asya second asya cha Second, z1 by z2 whole modulus equal to z1 no modulus divided by z2 modulus. Even third, z1 modulus ro square equal to z ro conjugate. So, I mean, again, first proof. Let z1 equal to a plus ib এবং z2 equal to c plus id z1 a plus ib z2 c plus id তাহলে বলতাম LHS যদি আমি নেবা LHS z1 into z2 তাহলে a plus ib তো c plus id AC AID, IBC, I square BT. Then AC minus BD, I square values are minus as you minus BD plus I common locally AD plus BC. Okay. So, for that, I am going to pay for that. Kela, Z1 into Z2 by day. Then I am going to तो z1 z2 रो मॉडुलस इक्वल टू हमसे कौन छ ना z1 z2 मॉडुलस इक्वल टू एससी माइनस बीडी रो स्क्वायर प्लस एडी प्लस बीसी रो होल स्क्वायर ओके तो एटी हमें छ ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर plus 2a plus no minus of minus a b c d plus a square d square b square c square 2a b c d all root over cancel tapare chha me a square common nele square square then c square plus d square jodi b square common nele eta hela ke c square plus d square ro root over তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার প্লাস ডি স্কোয়ার হল রুট ওভার যদি আমি সি স্কোয়ার প্লাস ডি স্কোয়ার কমন নিয়ে যাই তাহলে এত আসে আচ্ছা তাহলে আমি লিখি পারিবা এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার রুট ওভার সি স্কোয়ার প্লাস ডি স্কোয়ার রুট ওভার তাহলে ঠিক কত হইল আছে জেড 1 র কনজুগেট মডুলাস জেড 2 দ্যাট ইজ আর ইজ ওকে
तो ये बोली छ हमें ऑलवर्ड प्रोसेस करेबा नेक्स्ट वीडियो रे हला ओके okay.